नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइव में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है सोनाली फोगाट केस को लेकर। बताते चले कि सोनाली फोगाट मर्डर केस में जांच अब भी लगातार चल रही है। इस कड़ी में सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम आज गोवा के उस रिसोर्ट में जा पहुंची जहां वो रुकी हुई थी। दरअसल सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पहुंची। यहाँ टीम एक बार फिर नए सिरे से सभी कमरों में से सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करें, जहां सोनाली अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके साथ सुखविंदर के साथ रुकी हुई थी। बता दें कि उन कमरों में गोवा पुलिस ने घटना के बाद से सील कर दिया था। ताजा अपडेट के मुताबिक सीबीआई की एक टीम रिजॉर्ट के स्टाफ के बयान दर्ज कर रही है। वहीं सीबीआई की एफएसएल टीम सुधीर सांगवान के कमरे के अंदर है। कमरे के अंदर की वीडियोग्राफी की जा रही है और बाहर की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। बता दें कि सोनाली फोगाट हत्या मामले में आरोपी सुखविंदर और सुधीर न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई हर पहलू पर जांच करने का प्रयास कर रही है और जिस कारण सोनाली का निधन हुआ। सीबीआई मामले को गंभीरता से लेते हुए गोवा पुलिस के भी अधिकारियों से बात करेगी जिन्होंने हिसार संपत्ति के दस्तावेज जमा किए थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम सोनाली के परिजनों से भी बात करेगी। बता दें कि 23 अगस्त के दिन गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट में सोनाली फोगाट के निधन हुआ था। इससे पहले हार्ट अटैक का नाम दिया गया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आया और उसके बाद मामला हत्या में बदल गया। सोनाली का परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की जिसके बाद अब ये जांच शुरू हो गई है। अभी तो और भी बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। पता चलेगा कि आखिरकार मकसद क्या था। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 लाइव।